शैतान मूवी जो ऑलरेडी यहाँ पे जो है गुजराती मूवी वश की एक रीमेक होने वाली है, उसका ट्रेलर जैसे अभी थोड़ी टाइम पहले यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है। एंड गाइस सही बता रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा कूल है। देखो मैंने आज तक यहाँ पे जो है ना तो वश मूवी को देखा है ना ही वश मूवी के यहाँ पे जो है ट्रेलर को देखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है इस ट्रेलर को देखने के बाद लगता है कि भाई सही में यार क्या फाड़ू स्टोरी है। सही में गाइस ये देखने में मेरे को यहाँ पे जो है काफी अच्छा लगा। एंड गाइस पूरी की पूरे ट्रेलर के अंदर अपने को यहाँ पे जो है सिर्फ फैमिली ड्रामा जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है ट्रेलर को देख लिया होगा तो अपने को यहाँ पे जो है इतना तो आइडिया हो चुका है कि पूरी मूवी यहाँ पे जो है काइंड ऑफ दृश्यम जैसी अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एक फैमिली ड्रामा जो होता है वही देखने को मिलेगा। अजय देवगन यहाँ पे जो अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पे जो है क्या क्या कर सकता है वो सब के बारे में अपने को यहाँ पे जो है जानने को मिलेगा। तो बेसिकली गाइस इस मूवी के यहाँ पे जो एक नॉर्मल सी स्टोरी है, जो आर माधवन है वो बेसिकली यहाँ पे जो है वश कर लेते हैं अजय देवगन की बेटी को। यहाँ पे जो है वो अजय देवगन यहाँ पे जो है किस तरह अपनी बेटी को उनके वशीकरण से यहाँ पे जो है निकालता है इस पूरी मूवी के अंदर अपने को यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। सही में यार काफी ज्यादा कूल कूल। एक तो पहली बार सिनेमाटोग्राफी यहाँ पे जो है जिसने भी की है भाई बहुत ज्यादा कूल लग रही है। बहुत अच्छे अच्छे कलर जो होते हैं वो अपने को यहाँ पे जो है पूरी मूवी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पे ये लगी कि जो वश मूवी के अंदर अपने को यहाँ पे जो एक्ट्रेस देखने को मिली थी जानवी, उन्होंने ही यहाँ पे जो है इस शैतान मूवी के अंदर भी सेम रोल जो है वो यहाँ पे किया है। तो ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा यहाँ पे जो है उनको काफी अच्छे तरीके से आइडिया है एक्टिंग का, किस तरीके से यहाँ पे जो है इस मूवी के अंदर यहाँ पे उनको काम करना है। यहाँ पे जो है आर माधवन, देखो यार पहली बात तो जिस मूवी के अंदर यहाँ पे जो है अपने पास अजय देवगन जैसे कमाल के एक्ट्रेस है उनको यहाँ पे जो है ओवर शेडो करके बाहर निकलना, भाई आर माधवन यार एक नंबर उन्होंने यहाँ पे जो है काम किया। अगर आप लोग यहाँ पे जो उनको बस देखोगे ना तो उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है वही यहाँ पे जो है काफी है किसी को भी यहाँ पे जो है किसी और के काम को भी यहाँ पे जो है ओवर शेडो करने के लिए। यहाँ पे सही में यार बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। जो उनके फेस पे यहाँ पे जो है वो है ना कि भाई वो डरा सकता है किसी को भी आदमी बिल्कुल काम रहकर भी, तो वो चीज अपने को यहाँ पे जो है काफी अच्छी देखने को मिल रही है। उसी के साथ दोस्तों क्लाइमेक्स यहाँ पे जो है कुछ शॉर्ट्स अपने को आई थिंक मुझे लगता है क्लाइमेक्स के भी यहाँ पे जो है देखने को मिले हैं। आई थिंक जो वशीकरण मतलब आप लोगों को पता है शैतान लोगों का जो काम होता है वो किसी को यहाँ पे जो है सेंड करते हैं किसी को वश करने के लिए, तो आई थिंक आर माधवन को यहाँ पे जो है सेंड किया गया होगा अजय देवगन की बेटी को यहाँ पे जो है वश करके लेकर आने के लिए। जो पूरा पूरा अपने को यहाँ पे जो है ट्रेलर के एंड में एक शॉट भी दिखाया जाता है दोस्तों आर माधवन जो होता है अजय देवगन की बेटी को लेकर जाता है, पूरे पूरा पांडाल सा कुछ तो देखने को मिलता है भाई। सही में वो भी यहाँ पे जो है काफी ज्यादा कूल जो होता है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो मैंने वश मूवी देखी नहीं है तो मेरे को उसकी स्टोरी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बट जितना भी मैं यहाँ पे जो है ट्रेलर के अंदर शैतान मूवी के ट्रेलर के अंदर देख पा रहा हूँ मुझको यहाँ पे जो है काफी ज्यादा कूल एंड गाइस काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। ठीक है, मेन बात यार इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की करते हैं। भाई इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कितना कूल है यार, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे जो है कंप्लीटली हेडफोन में आकर ट्रेलर को देखोगे ना तो आप लोग को यहाँ पे जो है जो ट्रेलर का इंटेंस मोमेंट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो समझ में आते हैं। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, देखो हर एक हॉरर फिल्म का यहाँ पे जो है एक ही पावर होती है वही दोस्तों उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो मूवी को यहाँ पे जो है बांध के रख सकता है। तो वैसे ही अपने को यहाँ पे जो है इस मूवी के अंदर भी देखने को मिला इंटेंस सा काफी डरावना सा म्यूजिक जो होता है वो यहाँ पे जो है चलता है, तो यार काफी अच्छा काफी कूल लगता है। प्लस इमोशंस की बारिश होगी इस पूरी मूवी के अंदर, यहाँ पे जो है काफी सारे इमोशनल सीन जो होते हैं वो भी देखने को मिले, तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो ट्रेलर कट किया गया मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा। इन लोगों को यहाँ पे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके और वीडियोस के लिए फटाफट जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो।